आज के टाइम पे वेब डेवलपर्स आर गेटिंग ए पैकेज ऑफ 20, 30, 50 लाख रुपीस पर एनम। रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट ए स्टोरी ऑफ ए पर्सन जिन्होंने अमेज़न में 35 लाख रुपीस पर एनम का पैकेज क्रैक किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या ये हाई पेइंग जॉब्स को क्रैक कर पाना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल भी है तो कैसे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन क्रैक ए हाई पेइंग वेब डेवलपमेंट जॉब। जीरो से लेकर लास्ट तक मैं आपको पूरा पाथ देने वाला हूँ। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आप बीच में छोड़ दो तो आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे द लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिजल्ट्स। ये जो लॉ है वो प्रपोज किया गया था इन्वेंटर एंड फ्यूचरिस्ट रे कर्ज़वेल के द्वारा। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इनोवेशन की जो स्पीड है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रो करती है। जो सबसे पहला फोन आया था उससे आप सिर्फ फोन कॉल्स कर सकते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट फोन आया कुछ सालों बाद उसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स हुआ करते थे। उसके बाद स्मार्टफोन्स आने लगे जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, प्लस उसके अंदर कैमरा होता था जिसके अंदर आप पिक्चर्स भी ले सकते थे। उसके बाद स्मार्टफोन्स थे वो और ज्यादा इंप्रूव होने लगे, उसके साथ साथ उनके कैमराज भी इंप्रूव होने लगे। आज एक ऐसा समय आ गया कि 4G की मदद से आप अपने फोन पर 10-20 गीगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और इवन इसी रेट से आप कंटेंट को अपलोड भी कर सकते हो। आज के टाइम पर एक DSLR के फोटो में और एक फोन से कैप्चर किए गए फोटो में डिफरेंस कर पाना मुश्किल है। ये जो लॉ है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर अप्लाई नहीं होता है, ये लाइफ के दूसरे एरियाज पर भी अप्लाई होता है। इनिशियली आपके लिए 5,000 रुपए अर्न करना मुश्किल होता है, बट एक बार आप वो अर्न करने लगते हो तो 10,000 अर्न कर पाना उतना मुश्किल नहीं होता है। एक बार आप 10,000 अर्न करने लगते हो तो 20,000 अर्न कर पाना उतना मुश्किल नहीं होता। एक बार आप 20,000 अर्न करने लगते हो तो 30,000-40,000 50,000 अर्न कर पाना उतना मुश्किल नहीं होता। सिमिलरली दिस नंबर कैन गो अप टू 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इवन 10 लाख रुपीज पर मंथ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लॉ का वो है द लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या होता है। अगर आपको चैट GPT जैसा टूल बनाना है तो उसकी शुरुआत होती है 1843 में, दुनिया का जो फर्स्ट प्रोग्राम था एंड नेम ऑफ द प्रोग्राम वॉज एडा लवलेस। वहां से अगर हिस्ट्री में आज तक अभी कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बनाए तो चैट GPT जैसा एडवांस प्रोग्राम बन पाना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ प्रोग्रेस करती है। नाउ हाउ दिस रूल अप्लाइज टू योर करियर। अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू मेक 3-4 लाख रुपीज पर मंथ डायरेक्टली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर ये पॉसिबल भी है कि आप ऐसा नॉलेज गेन करें जिसकी रिक्वायरमेंट हो और आपको इतनी सैलरी मिल सके, तो वो नॉलेज को ओवरनाइट गेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो जो बेसिक आइडिया वो ये है कि आप स्टार्ट करो बहुत ही सिंपल चीज से, और टाइम के साथ धीरे धीरे उससे आप प्रोग्रेस करो। अब ये जो रूल है वो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं और बहुत ही मिजरेबली फेल होते हैं अपने करियर में। नाउ जो बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो इतना फैंसी नहीं है, और बहुत सारी जो एडटेक कंपनीज है वो इस ट्रुथ के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगी, बट ये जो मैं पाथ आपको बताने वाला हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है और ये काम करता है। बहुत सारी एडटेक कंपनीज है, स्पेशली वो जो कोडिंग सिखा रही है, वो आपको प्रॉमिस करती है कि विद इन 6 मंथ टू अ ईयर वो आपको 50 लाख रुपीस पर एनम का एक पैकेज दिला सकती है। बट आपको ये चीज समझना होगा कि वो जो कंपनीज है उनको फर्क नहीं पड़ता इस लॉ के बारे में, द लॉ ऑफ प्रोग्रेशन है, एंड दे डू नॉट केयर अबाउट योर करेंट सिचुएशन। अब क्वेश्चन आता है कि पाथ क्या है। तो पाथ बहुत सिंपल है, आप एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट करते हो और वहां से आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए तो आप क्या करो, डायरेक्टली रिएक्ट सीख लो। बट उस इंसान के लिए जिसने आज तक कभी कंप्यूटर को टच नहीं किया है, जैसे कोई कोडिंग का बैकग्राउंड जिसका कोई नहीं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसने नहीं की है, उसके लिए रिएक्ट सीख पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये बात मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी 1,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, एंड आई नो वॉट इट टेक्स टू लर्न एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो फिर क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द बेसिक्स, आई टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ HTML, CSS एंड JavaScript। ऐसा इसलिए कि अगर आप जल्दी से क्विट करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल जाओ डायरेक्टली रिएक्ट सीखो, बैक एंड डेवलपमेंट सीखो, सारी फैंसी चीजें सीखो। बट इफ यू वॉन्ट टू फाइनली गेट टू अ पॉइंट जहां पे आपको अच्छी सैलरी मिल रही है और आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे टाइम लगता है, देन दिस पाथ विल बी परफेक्ट फॉर यू। नाउ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क मी कि सर क्या HTML, CSS, JavaScript बेसिक सीखने से हमको हाई पेइंग जॉब मिल सकती है।
यार बिल्कुल हाई पेइंग जॉब आपको नहीं मिल सकती। आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन इतना है कि आपको एडवांस चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए अब मैं आपको एक फोर स्टेप पाथ बताने वाला हूँ, उस पाथ को आप फॉलो करके एक हाई पेइंग जॉब के लेवल तक पहुंच सकते हो। सबसे पहला स्टेप होगा, यू स्टार्ट विद लर्निंग द फाउंडेशनल लैंग्वेजेस, दैट इज HTML, CSS एंड JavaScript। यू लर्न दोस लैंग्वेजेस, अलॉन्ग विद दैट यू लर्न बूटस्ट्रैप, SAS, Git, और आप एक फ्रेशर जॉब को क्रैक करो या फिर कोई भी इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। सेकेंड स्टेप विल बी लर्निंग एंड मास्टरिंग JavaScript। सो JavaScript एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर आप वेब डेवलपमेंट में वो सीख लेते हो तो यू आर सेट फॉर नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। फ्रेमवर्क्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट जो लैंग्वेज है वो हमेशा स्टे करने वाली है। सो अगर आप खुद को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो तो आप सबसे पहले JavaScript को मास्टर करो एंड देन जंप ऑन टू React। आफ्टर दैट यू कैन गेट ए फ्रंट एंड जॉब जो आपको इजिली 30,000 से 60,000 के बीच में पे करेगी। थर्ड स्टेप विल बी लर्निंग बैक एंड। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप नोड, एक्सप्रेस और मोंगो सीखे, और ये सीखने के बाद आप एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। आफ्टर दिस स्टेज यू विल बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर, और अगर आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर है तो यू कैन इजीली मेक अबो 60-70,000 रुपीज पर मंथ, और इस स्टेज पर आप 1,00,000 पर मंथ, जो कि 12,00,000 पर एनम तक आप जा सकते हो। बट 1,00,000 पर मंथ से ऊपर जाना इस स्टेज पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, और अगर आपको इसके ऊपर जाना है देन कम्स द फोर्थ स्टेप एंड दैट इज प्रिपेयर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप जो कि बहुत सारे लोग शुरुआत में करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंटर करना है देन यू विल हैव टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। नाउ अगर आपने 3 स्टेजेस ऑलरेडी क्लियर कर रखी है तो ये फोर्थ स्टेज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि इस स्टेज पर आपको कोई ना कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत अच्छे से आएगी, और अगर आप ये पाथ फॉलो करते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आप हजारों लाखों लाइंस ऑफ कोड लिख चुके होंगे जावास्क्रिप्ट में। इसके बाद आपको डीएस एल्गो में प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीने से 1 साल का टाइम लगेगा अगर आपको जीरो नॉलेज है। अगर आपको ये भी लगता है कि मेरे को यार बिल्कुल मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं और ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है तो, और अगर आप एक सही करिकुलम को फॉलो करके प्रैक्टिस करते हो और कंसिस्टेंट रहते हो तो 6 महीने से 1 साल के अंदर आप आराम से DSL को अच्छे से कर सकते हो। एंड आफ्टर यू आर गुड एट दिस स्टेज यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 2,00,000 to 3,00,000 रुपीज पर मंथ। इजीली आप ये जॉब जो है वो क्रैक कर सकते हो। That will be making 20-30-40 lakh rupees per annum. So guys, this is the path. और अगर आप first stage से start करना चाहते हैं and if you want to know how you can master the fundamentals, then I would like to invite you guys to my free master class, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी journey की शुरुआत कर सकते हैं in just 90 days. Link आपको description में मिल जाएगा. Guys, मैं सबसे बड़ी जो problem लोगों में देखता हूँ वो ये है कि लोगों के अंदर patience नहीं होते हैं. और ये जो गेम है वो पेशेंस का है। दे डायरेक्टली वॉन्ट ए हाई पेइंग जॉब जो कि पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली क्रैक कर पाना। फॉर सम पीपल इट इज ईजी, अगर आप में एबिलिटी है टू क्रैक डीएस अल्गो एंड यू हैव द कैपेसिटी टू लर्न सो मच इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो कि मैक्सिमम लोग नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्शनल केस हो गए। बट मैंने जो आपको आज पाथ बताया हुआ है, this path will going to work for maximum people. So start small and play big. So guys, that's it for this video. I hope ये video आपको पसंद आई होगी. Make sure आप इस video को like करें, give it a thumbs up, और please leave a comment कि आप इस path को कैसे use करने वाले हैं और आप अभी currently कौन सी stage में हैं. मैं सभी का जानना चाहूँगा आप अभी कौन सी stage पर हैं. So that's it for this video guys. Thank you so much for watching and I will gonna see you guys in next video. Bye bye.